तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए दयाशंकर जी हैं। सर क्या कहेंगे, एक बेहतरीन जो आप लोगों ने मेहनत की थी वो पटल पर दिखाई दे रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था, आज 32 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है निवेश हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जितना हम लोगों ने आशा किया था उसके 3 गुना से भी ज़्यादा लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं, और जिस तरह से एक कंठ से सभी देश के उद्योगपतियों ने जोगी जी की प्रशंसा किया है, यहाँ की कानून व्यवस्था का, सुशासन का, और यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त करने में उनका प्रयास का, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आज जोगी जी की जिस तरह से प्रशंसा किया, उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये केवल देश के केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये अपने भारत देश के लिए भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश दुनिया के लोगों के एक पसंद बन रहा है और 16 देशों के निवेशक यहाँ पर आए हुए हैं, हम सबके लिए सौभाग्य है। सर, नए भारत का ग्रोथ इंजन इस टैगलाइन के साथ इस पूरे इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इससे क्या अपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे लोग नौकरी करेंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस से जुड़ेंगे, छोटे छोटे कल कारखाने भी जो बड़ी कंपनियां आती हैं उसके साथ साथ छोटे छोटे भी उद्योग लगते हैं जो हमारे स्थानीय लोग करते हैं उसमें, तो ये उत्तर प्रदेश को हर दृष्टि से एक विकास के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। सर, उत्साह भरपूर था और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि जो लक्ष्य था उससे 3 गुना आप लोग आगे बढ़ गए, अब आगे आने वाले समय में क्या प्लान रहेंगे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे? देखिए, माननीय हमारे जोगी जी चाहते हैं कि $1 मिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बने, और जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 5 साल का, ये बहुत पहले ही उसको पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर सभी लोग उत्साह से भरपूर हैं, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज उद्घाटन हुआ है, जो निवेश आने की बात कही जा रही है, साफ तौर पर सभी का यही कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश वाली तस्वीर निकल कर सामने आएगी। अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।